हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आ चुकी हूँ फिर से बच्चों के साथ। यहाँ पर ये करेंगे बर्गर एंड पिज्जा और फ्रूटी चैलेंज। और यहाँ पर बैठी है हमारी नन्ही सी परी, ये देखिए। हाय बोलो दीवा, हाय हाय बोलो। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी प्रिंसेस बिल्कुल रेडी है अपने भाइयों के साथ। और ये देखिए हमारी अदीबा भी करेगी चैलेंज, ये देखिए। और ये तीनों बिल्कुल रेडी हैं। रेडी हो? बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बर्गर प्लस पिज्जा चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 3 2 1 गो। हाँ तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल हमारा भैया हमेशा की तरह दोबारा हार चुका है। और अब भैया के लिए हमने पनिशमेंट सोच ली है। और भैया के लिए पनिशमेंट है ये एक नींबू का रस, जो भैया इसमें निकालेगा उसके पिएगा। अपने हाथ से निकालो। अब इसको भैया को पीना है पूरा, एक बार में पीना है पूरा। वन, एक बार में थोड़ा सा भी रहना चाहिए और टेस्ट नहीं। 1 2 3 गो। पियो पूरा एक बार में। लो भैया का रिएक्शन देखिए आप। अभी भैया को हम लोग 1 मिनट तक पानी नहीं देंगे। तो मैं नॉर्मल भी हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है हारने के बाद? तीसरी बार जी, तीसरी बार लगातार हारते हुए। और अगर आपने पहले की 2 चैलेंज वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके जरूर चेक करना। अब पहले भैया से पूछते हैं कैसा लग रहा है तीसरी बार लगातार हारते हुए। मुझे बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि मैं आज तीसरी बार दोबारा से हार चुका हूँ। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और आपको आपको ये नींबू पी के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था, बिल्कुल बेकार। तभी तो पनिशमेंट है।
आज के बाद ही मैं ऐसी पनिशमेंट कभी नहीं रखूंगा, कभी भी। अब आप लोग बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, अपना कमेंट लिखिए नीचे, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।